हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे आई विल मेक यू रीड चैप्टर 5। इट इज़ अबाउट कलर। वाओ, कलर का नाम सुनते ही इंजॉयमेंट, आंखों में चमक आ गई। एवरीवन लाइक कलर, सभी को कलर पसंद है, सभी को ड्राइंग बहुत पसंद है। आप तो वेट करते रहते एवरी सैटरडे व्हेन मैम विल मेक यू ड्राइंग, कब ड्राइंग मैम कराएंगी, हम कलर कब करेंगे। सभी को कलर्स बहुत पसंद है। कलर, जैसे कलर बहुत ही कलरफुल होते हैं, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ भी कलरफुल हो, हमारी ड्रेसेस भी कलरफुल हो, हमारी बुक्स भी कलरफुल हो। उसी तरीके से कलर्स बहुत सुंदर होते हैं। आज हम इन कलर्स के बारे में पता पढ़ेंगे। कभी आपने कलर्स के बारे में देखा है? कभी आपको पता है कि जैसे कलर, टू कलर्स से मिलकर थर्ड कलर भी बनाया जाता है? लेट वी सी। आई विल मेक यू रीड द चैप्टर अबाउट द कलर्स। आज हम कलर्स के बारे में चैप्टर रीड करेंगे। इट इज अ चैप्टर 5। चैप्टर 5, एडिंग कलर, कलरों को जोड़ना, कलरों से खेलना। डू यू लाइक ड्राइंग? जैसे चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था, क्या आपको ड्राइंग पसंद है? ऑब्वियसली सभी बच्चों का आंसर होगा यस, आई लाइक ड्राइंग। विच इज योर फेवरेट कलर? कलर सभी के अपने अपने फेवरेट होते हैं। ऑलवेज गर्ल्स को पिंक कलर ज़्यादा पसंद होता है और बॉयज़ को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद होता है। और वैसे तो सभी का अपना अपना कलर फेवरेट है। माय फेवरेट कलर इज़ रेड। मेरा फेवरेट कलर है रेड। डू यू नो वी कैन गेट वेरियस अदर कलर बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर? क्या आपको पता है हम टू कलर्स से मिलाकर दूसरे कलर्स भी बना सकते हैं? यस, वी कैन गेट वेरियस कलर बाय मिक्सिंग टू अदर कलर, डिफरेंट कलर दो कलर से मिलाकर, टू कलर्स को मिलाकर हम थर्ड कलर भी, अलग कलर भी बना सकते हैं। लेट वी सी इन द चैप्टर। आई एम मेकिंग यू रीड। इट इज़ अ पोयम। एडिंग वाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे। वाइट टू ब्लैक को मिलाकर हमें ग्रे मिलता है। एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे। हमें एवरीडे गॉड को प्रे करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन। येलो ब्लू मिलाकर ग्रीन बनता है। आर हाउस शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन। और हमारा घर हमें साफ, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। दिस पोएम इज गिविंग यू समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑल्सो। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया जा रहा है पोएम के थ्रू। अगेन आई एम रीडिंग। Adding white to black, we get grey. Every day to God, we should pray. Adding yellow to blue, we get green. Our house should be always be tidy and clean. हमें हमारे घर को साफ और सुंदर रखना चाहिए। I am telling you the meaning. In this stanza of poem, the poet teaches us two important things. यहाँ poet हमें दो बातें बता रहा है। The first thing is to keep the soul clean by praying to God every day. Another thing is to clean home. यहाँ पर पॉइंट हमें कहना चाह रहा है कि हमें डेली प्रेयर करनी चाहिए जिससे कि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके और हम भगवान को याद कर सके। सेकेंड थिंग, हमें हमारे घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पॉइंट, टू गेट ग्रे कलर व्हेन वी मिक्स वाइट एंड ब्लैक, वाइट और ब्लैक को मिलाकर ग्रे कलर बनता है। टुगेदर इन द सेम वे वी When we mix yellow and blue, yellow blue को मिलाते हैं, we get green, green बनता है। The poet further advises us that we should pray to God every day and should keep our home neat and clean. हमें हमारे आसपास को, हमारे घर को neat and clean रखना चाहिए और हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए। Now next stanza. Everything in our home should be well arranged and properly placed. Adding white to red we get pink. Morning and evening milk we must drink. Adding yellow to red we get orange. After buying something we should count the change. Adding blue to red we get purple. Mummy and papa make a lovely couple. Very good, very nice poem. Everything our home, हमेशा हमारे घर में सभी चीज़ें arrange होना चाहिए। Arrange का मतलब bag proper place पे, shoes slippers proper place पे, बुक्स प्रॉपर प्लेस पे, सब कुछ प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। वाइट के साथ रेड मिलाने से पिंक बनता है। सुबह शाम हमें डेली मिल्क पीना चाहिए। एडिंग येलो टू रेड वी गेट ऑरेंज। येलो में रेड मिलाने से ऑरेंज बनता है।
सामान परचेज करने के बाद, सामान खरीदने के बाद हमें पैसे देते हैं, फिर वो शॉपकीपर हमें पैसे वापस रिटर्न करता है, उसे बोलते हैं चेंज, खुले पैसे या चेंज जो हमें देता है। हमेशा पैसे काउंट करके लेना चाहिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एडिंग ब्लू टू रेड, रेड ब्लू और रेड मिलाकर पर्पल बनता है। मम्मी एंड पापा मिलकर लवली कपल, मम्मी और पापा मिल क्या बनाते हैं, लवली कपल मीन्स जोड़ी। मम्मी और पापा की जोड़ी कैसी, बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारी। जो मैम ने बताया वही सब कुछ यहाँ वापस अगेन लिखा हुआ है। फिर से मैम बता दी, इन दिस स्टैंजा अ पोएम द पॉएट टीचेस अस थ्री गुड थिंग्स अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन और न्यू कलर आफ्टर मिक्सिंग टू डिफरेंट कलर अकॉर्डिंग टू पॉएट। व्हेन व्हाइट एंड रेड कलर आर मिक्स्ड वी गेट पिंक कलर, व्हेन येलो एंड रेड कलर आर मिक्स्ड वी गेट ऑरेंज कलर, इन द सेम वे व्हेन ब्लू एंड रेड कलर आर मिक्स्ड पर्पल कलर इज फॉर्म्ड। बिसाइड द नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कलर द Point advises us we should drink milk every day in the morning and evening. We should be careful about the change of money which we get from shopkeeper after paying him for something. We should respect our parents because they are the best couple for their children. हमें बच्चों को हमेशा अपने parents की respect करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के parents ही हमारे लिए बहुत important होते हैं, सभी बच्चों के लिए important होते हैं, और वो मिलकर दोनों लवली कपल बनाते हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, यू विल डू एक्सरसाइज, यू विल डू बुक एक्सरसाइज ओनली इन योर बुक। फर्स्ट एक्टिविटी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है बुक में। वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक टू, ग्रे कलर किसने मिलता है, ब्लैक में किसे ऐड करना है, वाइट। टू गेट ग्रीन कलर वी शुड मिक्स, ग्रीन में कौन सा कलर मिक्स करना है येल्लो के लिए, ग्रीन कलर लेने के लिए कौन कौन से कलर मिक्स करेंगे, ब्लू और येलो, ब्लू। इफ वी मिक्स रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो वी विल गेट पर्पल कलर, हमें कौन सा कलर मिलेगा, पर्पल, इट इज ए ब्लू। नाउ द क्वेश्चन आंसर, यू विल डू बुक एक्सरसाइज ओनली इन योर बुक एंड क्वेश्चन आंसर इन योर रफ नोटबुक। बेटा हर चैप्टर में मैम ने आपको बताया है क्वेश्चन आंसर्स रफ नोटबुक में करने हैं और बुक एक्सरसाइज ओनली बुक में करनी है। हैव यू गॉट, विच कलर डू यू नीड टू गेट पिंक कलर, पिंक कलर के लिए आपको कौन कौन से कलर चाहिए, वी नीड वाइट एंड रेड कलर टू गेट पिंक, वाइट और रेड कलर चाहिए। व्हाट कलर इज अ मिल्क, मिल्क का कौन सा कलर होता है, मिल्क कलर इज वाइट, सभी को पता है वाइट होता है। हाउ कैन वी गेट ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कैसे बनता है, वी कैन गेट ऑरेंज कलर बाय एडिंग येलो कलर टू रेड कलर, येलो कलर में रेड कलर मिक्स करके ऑरेंज कलर बनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी काउंट द चेंज आफ्टर बाइंग समथिंग, कुछ भी सामान खरीदने के बाद हमें चेंज काउंट क्यों करनी चाहिए, वी शुड काउंट द चेंज आफ्टर बाइंग समथिंग टू अवॉइड बींग चीटेड बाय द शॉपकीपर। हमें इसलिए काउंट करनी चाहिए कि हमें काउंट करने के बाद पता चल जाता है कि कहीं हमें शॉपकीपर ने कम पैसे तो नहीं दिए, और अगर कम पैसे होंगे तो इसमें हमारा ही लॉस होगा ना। ओके, योर फिफ्थ चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड, क्वेश्चन आंसर एंड बुक रीडिंग हैज़ कम्प्लीटेड। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू विल फिल बुक एक्सरसाइज ओनली इन बुक, क्वेश्चन आंसर इन योर रफ नोटबुक। नेक्स्ट चैप्टर आई विल रीड यू, आई विल मेक यू रीड इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। यू विल कम्प्लीट योर वर्क इन गुड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग। टेक केयर अबाउट दिस कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए आपके वर्क में। गुड, बाय बाय।